हेलो फ्रेंड, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक फ्लेवर का लड्डू की रेसिपी, जो कि मैं सिर्फ इसे 2 मिनट में और बिना गैस जलाए बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट और आसानी से बनके तैयार हो जाती है, इसे कोई भी बना सकता है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल बूंदी लेना है, ये बूंदी बिना नमकीन वाली बूंदी है, और एक बाउल पेठा लेना है। दोनों की क्वांटिटी बराबर रहेगी। अब हमें एक ग्राइंडर जार लेना है, उसमें हमने बूंदी को डाल देंगे, जिसे हमें इसका एक बारीक पेस्ट तैयार करना है, और पेठे का भी हमें बारीक पेस्ट तैयार करना है दोनों का। तो मैंने यहाँ दोनों का बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है, बूंदी का भी दरदरा बारीक पेस्ट तैयार हो चुका और पेठे का भी बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेना है, जिसमें मैं एक बाउल मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसका स्वाद बहुत टेस्टी आता है, और उसमें बूंदी का पेस्ट ऐड कर देंगे, और जो पेठा का पेस्ट तैयार किया था उसे भी ऐड कर देंगे। अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इसमें चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेठा ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर ये थोड़ा ड्राई लगे तो आप 1-2 टेबल स्पून देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, पर ये अच्छे से बंध जा रहा है तो मैं यहाँ घी नहीं डालूँगी। ये देखिए बंध के तैयार हो जा रहा, मतलब हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो अब लड्डू बना लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से मिक्सचर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, और आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। ऐसे ही मैं सारे लड्डुओं को बना लेती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट और इंस्टेंट लड्डू हैं, जिसे कोई भी बना सकता है। अपने घर बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू।